जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप जो चाहें आपको सब कुछ मिले, आपका प्यार, आपका परिवार, आपको ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां मिलें। और आज हम रीडिंग करेंगे कि आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है, आपको सफलता कैसे मिलेगी। आज हम आप सबकी एक साथ एनर्जी चेक करेंगे। आज हम देखेंगे कि कहाँ गलती हो रही है जो आपको सफलता नहीं मिल रही है। ये सफलता प्यार की भी हो सकती है, परिवार की भी हो सकती है और करियर की भी हो सकती है। आप इसे जिस भाव से देखेंगे ये उस भाव से आपके लिए रेजोनेट करेगी और इसमें एंजेलिक गाइडेंस भी होगी कि आपको सफल होने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज ये कोई पिके कार्ड रीडिंग नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और पिके कार्ड रीडिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है उसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद देते हैं या नहीं, ये हमारा थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, हमारा आभार व्यक्त करना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ज़िंदगी में। जैसे कि आपको कोई इंसान कुछ देता है तो आप उसे थैंक यू बोलते हैं ना, लेकिन ईश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है, आप उसे थैंक यू क्यों नहीं बोलते हैं? जब आप अंदर से ईश्वर को थैंक्स बोलते हैं तब ईश्वर को भी अच्छा लगता है, एंजल्स को भी अच्छा लगता है। अब भला बताइए, अगर आप किसी इंसान के लिए बहुत कुछ करते हो और वो मतलब परस्त इंसान की तरह बस ले लेता है और कभी देता नहीं है, कभी थैंक यू नहीं बोलता, तो क्या आपका दोबारा मन होगा उसके लिए कुछ करने का? और अगर वो इंसान आपको बात बात पर थैंक यू बोलता है तो आपका मन होगा कि आज इसको इतनी छोटी चीज़ दी है, कल इसको इससे भी बड़ी चीज़ देंगे? तो थैंक यू हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सक्सेस का। किसी से भी आपको कुछ भी मिले आप उसका आभार व्यक्त करिए, आप उसे धन्यवाद बोलिए। देखिए, जब ये दुनिया आपको कुछ देती है ना तो एहसान जताती है, बताती है कि मैंने ये दिया तुम्हें, वो दिया, लेकिन एंजल्स कभी किसी से कहने नहीं जाते कि हमने तुम्हें ये दिया। एक्चुअल में अगर किसी को हमारी परवाह है, हमारे एंजल्स को होती है, हमारे गॉड को होती है, और हम कभी उसे थैंक्स ही नहीं बोलते। अब आप कहेंगे कि ज़िंदगी में बहुत सारे दुख मिले, कभी कभी कुछ दुख हमारी भलाई के लिए हमें मिलते हैं, लेकिन हमें बाद में एहसास होता है कि अगर वो नहीं होता तो आज ये नहीं होता। आप अपनी पास्ट लाइफ में देखिए कि कुछ चीज़ें हमारी भलाई के लिए हमारी ज़िंदगी में आती हैं, एंजल्स के लिए, गॉड के लिए, भगवती के लिए, माँ दुर्गा के लिए। एक छोटी सी स्पिरिचुअल गज़ल सुना रहे हैं हम आपको, और आपको आंख बंद करके एक एक शब्द को महसूस करना है, ठीक है? उसके बाद हम आपकी रीडिंग करेंगे कि आपको सक्सेस पाने के लिए, चाहे वो प्यार में सक्सेस हो, परिवार में सक्सेस हो, रिश्तों में या फिर करियर में, उसके लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? आप गज़ल सुनिए और ईश्वर को याद करिए। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुम सा, कोई तुम सा नजर नहीं आता, क्यों तो क्या क्या नजर नहीं आता,
अपना नजर नहीं आता, कोई तुम सा नजर नहीं आता। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नज़र नहीं आता, कोई तुम सा नज़र नहीं आता। ये जो दुनिया हमें हमारी दिखती है ना, ये वाकई में हमारी नहीं है, लेकिन जो अपने हैं वो नज़र नहीं आते, जो है अपना वो नज़र नहीं आता। जो परमात्मा आपको दे रहा है आप वो पा तो लेते हैं, लेकिन उसका प्यार आपको क्यों नज़र नहीं आता। चलिए हम बताते हैं कि आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है। आपको सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे किसी से बात करनी हो जाए तो आप बहुत घबराते हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते लोगों से बात करने में। आप सोचने की बजाय करना शुरू करिए। आप सोचिए मत कि लोग क्या कहेंगे, वो कोई जान से नहीं मार देंगे। जैसे कि आपको बात करने में घबराहट होती है, हड़बड़ा जाते हैं आप, आपको ये नहीं करना है। आप जैसे भी बात करेंगे अच्छे से बात करेंगे, या नहीं भी अच्छे से बात कर पाएंगे लोगों की तरह तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बात करने से मत डरा करिए। आप खुलकर बात करिए, चाहे प्यार में हो या करियर में हो या परिवार में हो। आपको बात करने से हिचकिचाना नहीं है, क्लियर बात करनी है। जो भी बात हो क्लियरली बात करनी है। आपको सोचने की जगह एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप सोचते ज़्यादा हैं, एक्शन बहुत कम लेते हैं, और कभी कभी आपका बिहेवियर इतना रूड हो जाता है कि यही आपके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है आपके सक्सेस होने में। तीसरी आपकी कमी क्या है? तीसरी आपकी कमी ये है कि आप अपने पास्ट को लेकर इतना ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला होता है आप उसकी तरफ नज़र ही नहीं डालते। आप देखते ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या मिल रहा है आपको। कई बार ईश्वर, एंजल्स, गॉड आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने पास्ट में उलझे रहते हैं। आप ईश्वर के ऑफर को, गॉड के ऑफर्स को ठुकरा देते हैं, देखते नहीं हैं, और बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं। बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं इस बात के लिए कि जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो आप हार मान लेते हैं। ये हार नहीं माननी है आपको। देखिए, ये रीडिंग जर्नल रीडिंग है तो हर किसी से टोटली मैच नहीं होगी, लेकिन इसमें जो भी आपके लिए हो आप सिर्फ उतना ले लेना। हर बात आपके लिए नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे नहीं हैं, हमें पता है। तो आपकी ये कमियां हैं कि आप एक्शन नहीं लेते हैं, आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आप अपने पास्ट से निकल नहीं पाते, और आप क्लियर बात नहीं कर पाते। आपके अंदर हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, आप सोचते रहते हैं, और कभी कभी आप बहुत रूड बिहेव करते हैं जिससे सामने वाला हर्ट हो जाता है। ये आपको नहीं करना है। ये बात चाहे प्यार के लिए हो, और चाहे करियर के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो। आप सफलता कैसे मिलेगी आपको? आपको सबको इक्वल रूप से देखना है, आपको किसी के लिए भी भेदभाव नहीं करना है, ठीक है? एक्शन लेना है, सोचना नहीं है। आप सोचते रहते हैं, सोचने से कुछ नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है तब कुछ होगा, ठीक है? और जो आप फील करते हैं ये वो बताया करिए। आप अपनी फीलिंग्स छुपा लेते हैं, बहुत सारी बातें हैं आप अपने अंदर रखते हैं, घुटन भरी ज़िंदगी जिया करते हैं। नहीं, ये भी नहीं करना है आपको। आपका ना दिल दिमाग के बीच में बैलेंस नहीं बन पाता, आप समझ नहीं पाते, क्योंकि आप थोड़े इमोशनल टाइप के हैं। आप थोड़े इमोशनल टाइप के हैं, और इमोशनल लोग कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। ये आपको सोचना नहीं है बिल्कुल भी, तभी आपको सफलता मिलेगी। और देखिए, एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपना आलस से भी छोड़ेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। अगर आप आलसी नहीं हैं, आप मेहनत करते हैं, तो थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है आपके लिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं आप सबको इक्वल रूप से देखिए, भेदभाव मत करिए, और जहाँ भी आपको कोई ज़रूरतमंद इंसान दिखे उसकी मदद करिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी की हेल्प पैसों से ही की जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बहुत से ऐसे काम हैं जैसे कि कोई परेशान हो रहा है किसी चीज़ के लिए, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, किसी को लिफ्ट दे सकते हैं और किसी का कोई काम कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो आप करेंगे तो आपको ज़िंदगी में सफलता मिलेगी, चाहे प्यार को लेकर हो चाहे करियर को लेकर हो। आप जब अपने पास्ट को लेकर उलझे होते हैं ना, इतना स्ट्रेस बना लेते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं, जो बात आपको तकलीफ़ दे रही है अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखिए। जो बात आपको दर्द दे रही है आप उसे सोचना बंद कर दीजिए। एंजल्स ऐसा बोल रहे हैं तभी आपको ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। और भगवती आपसे ये कहना चाहती है कि अपने दिल और दिमाग के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करिए, तभी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आएगा, तभी आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। अगर आप पार्टिसिपेट करने से डरते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता नहीं लोग क्या, ये नहीं सोचना है, खुलकर बात करनी है, जो भी है खुलकर बात करनी है। पता है भगवती एंजल्स गॉड आपसे क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि रात गई बात गई। जैसे कि आप मेहनत कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो एक बार में हार नहीं माननी है आपको, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, फिर से ट्राई करिए। आपने कभी एक चींटी को दीवार पे चढ़ते देखा है? कितनी बार गिरती है लेकिन हार नहीं मानती है, वो अपनी मंजिल पाकर ही रहती है। और दूसरी बात ये भी है कि आप ज़िंदगी में पहले एक अपना एम बनाइए कि आपको करना क्या है। कुछ लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मैं क्या करूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, फिर वो कहीं के नहीं बचते। कुछ एक करिए। कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, मतलब कि कोई एक चीज़ पकड़ लो और उसमें अपना 100% दे दो। जब आप उसमें अपना 100% दे दोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। ये आपके गॉड, ये आपके जो स्पिरिट गाइडर हैं वो आपसे कह रहे हैं, ठीक है? तो जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। आप सभी हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।